उसमें बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था वह एनडीए को दिया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया था, और उस चुनाव में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार जी को अपने वायदे के अनुरूप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सुशोभित किया। जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के आए थे, आज फिर वहीं वापस लौट गए, यह एक बड़ा प्रश्न बिहार की जनता के सामने है। माननीय नीतीश कुमार जी संपूर्ण जीवन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ते रहे और आज फिर कांग्रेस के साथ जुड़ गए, यह कतई उचित नहीं है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था 2020 में, उस मैंडेट के साथ धोखा हुआ है, उस मैंडेट को नज़रअंदाज किया गया है। यह एक नैतिक लड़ाई है, इस नैतिक लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी। क्या लग रहा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ था 2017 में, वो उस महागठबंधन से राजद से अलग हुए थे, फिर वो मुद्दा हालांकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर जाकर के वो, मैंने कहा ना कि जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के लंबे समय तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार की जनता ने हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया था, उसी लालू राज के खिलाफ बिहार की जनता ने 2020 में भी मैंडेट दिया था और फिर उसी के साथ मिलना, यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। आगे क्या होगा, भाजपा कहां जाएगी? भाजपा को मैंडेट मिला था, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आप लोगों ने उस वादा को पूर्ति करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने तो वो सारे वादे सारे रिश्ते सारे खत्म कर दिया। भाजपा क्या है? नहीं, मैंने कहा जो निर्णय उन्होंने किया है यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था, एनडीए के लिए था, बिहार की जनता ने जो वोट किया था वह वोट उस लालू राज को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था, लेकिन आज फिर वही लालू राज सत्ता में वापस आया है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इससे कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है, और यह जो लड़ाई है यह नैतिकता की लड़ाई हम राज्य की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ेगी।